नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत एक और वीडियो में वीके वीज़ा सर्विसेज की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यूबेक के डिसीजंस 2021 के तो आ रहे हैं, बट 2020 में जो फाइल्स लगी हैं जिनकी AIP आ चुकी है और जो फाइल्स पेंडिंग है या जो फाइल्स जिनके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे एम्बेसी ने, उन फाइल्स पे डिसीजन IRCC क्यों नहीं बना रहे हैं, क्या रीज़न है इस पे, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फाइल्स मार्च 2020 में लगी है उन फाइल्स का डिसीज़न आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स बिन मोर देन 1.5 ईयर की जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने डिसीज़न का वेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अब बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं है, बहुत डिमोटिवेट हो चुके हैं और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, और जिन बच्चों की तो AIP आ चुकी है उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं और यहाँ का जो टाइम शेड्यूल है उसमें रात को बैठ कर क्लासेस लगा रहे हैं, जो कि एक प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स ने वीज़ा लगाया था, अपना वीज़ा फाइल किया था, वो एक इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए किया था, वो इंडिया से ऑनलाइन क्लासेस लगाने के लिए नहीं किया था, बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस उनको जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन लगानी पड़ी। ऑनलाइन क्लासेस के बाद उनको ये रहा कि अब हमारा PPR आ जाएगा, बिकॉज उनके पास AIP थी, बट ऐसा नहीं हुआ। जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं AIP के बाद जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट ना आने का, या फिर जो फाइल्स एम्बेसी में थी उनका PPR ना आने का रीज़न सिर्फ ये था कि CAQ जो है वो सस्पेंड किए गए थे इमिग्रेशन क्यूबिक के द्वारा 30th of December 2020 को, जो कि सस्पेंशन में 14th of January तक रहे। उसके बाद जो सस्पेंशन है वो अंडर स्क्रूटनी थे कॉलेजेस, सस्पेंशन उस वक्त होल्ड पे था। एज़ पर रिसेंट कन्वर्सेशन या रिसेंट जो IRCC की वेबिनार थी उसके अकॉर्डिंग IRCC ने ये चीज़ बोली है कि जो कॉलेजेस है दे आर नो लॉन्गर अंडर सस्पेंशन, जो कॉलेजेस है वो अब सस्पेंशन में नहीं है, सस्पेंशन लिफ्ट अप कर दिया गया है। बट उन्होंने ये चीज़ बोली है कि अगर आपको अपना डिसीजन 6 अगस्त से पहले चाहिए उसके लिए आपकी फ़ाइल कंप्लीट होनी चाहिए, आपसे कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए। बट हमें तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट आई है, तो इस केस में आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट है उसको आने के बाद आप जो अपना डिसीज़न है वो 6 अगस्त से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि डिसीज़न आ जाए, क्योंकि नेगेटिव डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा क्यूबेक की फाइल्स पे आए हैं, कनाडा कॉलेज, CDI कॉलेज, हर्सिंग कॉलेज के भी। आज ही मुझे एक स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट आया था, तो उन्होंने AIP के बाद ऑनलाइन क्लासेस लगाई थी, 1 ईयर तक उन्होंने कम्प्लीट अपनी AIP के बाद ऑनलाइन क्लासेस लगाई थी, अप्रॉक्सीमेटली 19 मंथ्स, तो उनका भी रिफ्यूज़ल आया आफ्टर AIP 1 साल के बाद। तो इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, जहाँ पे AIP के बाद भी रिजेक्शन देखने को मिलती है। बट एट द सेम टाइम मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपकी फ़ाइल एम्बेसी में है, एम्बेसी में लगी है, तो उसको एज इट इज़ रहने दीजिए, एटलीस्ट वेट टिल 6th of August। 6 अगस्त तक कुछ ना कुछ डिसीज़न आना चाहिए। अगर डिसीज़न 6 अगस्त तक नहीं आता है तो आप थोड़ी सी और इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि इतना आप वेट कर चुके हो, 1 ईयर या 1 ईयर से ज़्यादा भी इंतज़ार कर चुके हो, इट्स नॉट राइट डिसीज़न कि आप अब जाके फाइल अपनी विड्रॉ करो। अगर आप करना चाहते हो इट्स एंटायरली अप टू यू। देखिए ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, क्योंकि फ़ाइल जब आपने लगाई थी तो अपने कंसेंट या अपनी मर्ज़ी से लगाई थी। अगर आपने विड्रॉ भी करनी है इसमें किसी भी एजेंट या किसी भी थर्ड पर्सन की जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका अपना डिसीज़न है। हमारा काम एज एन एजेंट वो आपको गाइड करना है, जो बिल्कुल सही गाइडेंस है वो आपको दी जाएगी कि अगर आप फाइल अपनी विड्रॉ करते हैं उसके क्या नुकसान है या क्या फ़ायदे हैं, अगर विड्रॉ नहीं करते हैं तो उसके क्या नुकसान क्या फ़ायदे हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि जो फाइल्स हैं जो 2020 में लगी है उनके डिसीजंस ना आने का रीज़न सिर्फ इतना है कि जो फाइल्स हैं वो एम्बेसी अभी उसका जो है डिसीजन बना रही है, डिसीजन उन पर क्रिएट कर रही है, और कुछ फाइल्स ऐसी हैं जिनका डिसीजन वो ऑलरेडी दे चुके हैं बट वो पब्लिश नहीं किया, जिसकी पे वो अभी होल्ड पे रखा है ड्यू टू सस्पेंशन जो हुई थी, बट उन्होंने डिसीजन ऑलरेडी बना दिया है। जैसे कि केप्स रोड में किसी की PPR देखने को मिलती है, जिन बच्चों की AIP है, और ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो इस वजह से उन्होंने डिसीजन बना दिए हैं। जिन बच्चों के BVL आ चुके हैं, मीन्स बायोमेट्रिक्स वैलिडिटी लेटर आ चुके हैं, उनको तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका डिसीज़न ऑलमोस्ट पॉजिटिव होगा। जिनको सेम डे कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर और उसी दिन रिफ्यूज़ल लेटर आ गई, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको रिफाइलिंग करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली वो अब सेम कॉलेज में नहीं देखेंगे रिफाइलिंग, दे विल लुक फॉर एनी अदर कॉलेजेस। तो अभी जो करंट सिनेरियो है क्यूबिक स्टूडेंट्स के लिए वो सिर्फ इतना है कि जस्ट वेट टिल 6th of August। 6 अगस्त तक नहीं भी आता तो जस्ट वेट फॉर 1 अनदर मंथ,
अगर फिट भी नहीं आता देन वी कैन लुक फॉर अल्टरनेट, बिकॉज इतना वेट कर लिया इट्स नॉट राइट टाइम टू विड्रॉ वीज़ा एप्लीकेशन। बट फिर कह रहा हूँ डिसीजन आपका है, आपकी चॉइस है, फाइल आपकी है, आपका रिजल्ट है जो आना है और कनाडा आपने जाना है, तो पैसे आपके लगे हैं, डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए, हमारा काम गाइडेंस करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप इस वीडियो को पसंद कर रहे होंगे, पसंद कर रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।